राजधानी रायपुर में 24 घंटे के अंदर दो आदिवासी छात्रावासों में रैगिंग का मामला सामने आया। रैगिंग की घटनाएं सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सभी जिले के कलेक्टरों को एंटी रैगिंग सेल गठित करने का आदेश भी दिया है। शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद रायपुर जिले की अपर कलेक्टर पद्मिनी भोई ने छात्रावास अधीक्षकों के साथ बैठक की। रैगिंग को रोकने के लिए एंटी रैगिंग सेल होता है, शायद गठन उसका नहीं हो पाया है। हमने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि जल्द ही इसका एंटी रैगिंग सेल का गठन करें और इस प्रकार की घटना न हो, इसकी पूरी व्यवस्था करें वहाँ पर, चाहे वो शहर का हो, चाहे वो ग्रामीण का हो, चाहे जहाँ भी आश्रम छात्रावास हैं, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए।